हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। सो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले गार्बेज के बारे में पढ़ा था कि गार्बेज होता क्या है। देन हमने देखा था कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के लिए दो अलग अलग बिन्स क्यों होते हैं। देन हमें कैसे चीज़ों को सेपरेट करना चाहिए बिन्स के हिसाब से। टाइप ऑफ वेस्ट हमने देखा था कि कुछ वेस्ट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसे डिकम्पोजर्स के एक्शन से वो ख़त्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन पर डिकम्पोजर्स का कोई एक्शन काम नहीं आता, वो ख़त्म नहीं होते हैं ईजीली। उन्हें ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा वर्ष लगते हैं। अब उन्हें ख़त्म होने में इतने ज़्यादा टाइम लगता है तो वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कौन से वेस्ट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है, गार्डन वेस्ट जो होता है, ये सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्ज़ाम्पल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्ज़ाम्पल्स हैं ग्लास पीसेस, बॉटल्स, टिन कैंस एंड प्लास्टिक बैग्स। एंड दीज ऑल आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो ख़त्म नहीं होते इजीली। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन मीन्स छांटना या अलग करना किसी चीज़ों को। सो क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द सिटीज आर सो लार्ज दैट इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू फाइंड अ वे टू सेफली डिस्पोज ऑफ। अब ना वेस्ट जनरेट हो रहा है सिटीज से कि इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बन रहा है उसे डिस्पोज करना, कि उसे उसका डिस्पोजल, उसे कहाँ डिस्पोज किया जाए। सो हाउएवर वी नो दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी चेंज इनटू मैन्योर। अब हमें पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो इजीली मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, मैन्योर में चेंज एंड विच इजीली मिक्सेस विद द सॉइल, और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी, और वो सॉइल को क्या बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। When biodegradable waste are separated from non-biodegradable ones, processing of waste become much easier. अब अगर biodegradable waste और non-biodegradable waste को अलग रखा जाए तो उनकी जो processing है, उनकी आगे की जो process है, क्योंकि biodegradable तो हमें पता है कि अगर हम उसे soil में burrow करेंगे तो वो after some time it will become manure, वो manure बन के manure में change हो जाएंगे by the action of डिकम्पोजर्स। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है, तो उनका उनकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है या तो रिसाइकल है या तो कोई भी आगे की प्रोसेस करने के लिए उन्हें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना पड़ेगा। अगर हम पहले से ही उन्हें सेग्रीगेट करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं, तो इसकी जो प्रोसेसिंग है इट विल बिकम मच ईजियर। इनफैक्ट देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन की कोई नीड भी नहीं रहेगी। इफ़ वी ऑल पुट दिस इनटू सेपरेट बिन्स, अगर हम इन चीज़ों को सेपरेट बिन्स में रखते हैं, जब हम इसे फेंकते हैं तभी। नाउ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स ऑफ इट्स जनरेशन, मतलब वेस्ट को सेग्रीगेट करना, अलग करना जहाँ से वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से वो निकल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा घर, ठीक है, हमारे लिए हमारा घर बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि हम जो वेस्ट है वो हमारे घर से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे घरों में हम डस्टबिन्स में उसे डाल रहे हैं। अब इट फैसिलिटेट्स, अगर हम वहीं पे उसे सेग्रीगेट करके रखें, अगर हमने हमारे घर में टू बिन्स बना रखे हैं, ठीक है, एक में हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाल रहे हैं, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, ये बहुत अच्छा फैसिलिटेट्स हो जाए, इट
फैसिलिटेट्स वेस्ट मैनेजमेंट एट लार्ज स्टेज. अब ऐसे ही सभी के घरों में अगर ये दोनों वेस्ट बिन्स अलग अलग होने लगे तो ये जो है ये बहुत अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी बहुत लार्ज स्टेज पे. ठीक है, क्योंकि सभी ने अगर ये काम चालू किया तो ये जो बाद में सेग्रीगेट करने वाला वर्क है इट विल बी ईजियर. इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू हैव टू सेपरेट बिन्स. और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर हमारे घरों में दो बिन्स है तो ठीक है दो डस्टबिन होने चाहिए, वन फॉर ड्राई वेस्ट एंड वन फॉर वेट वेस्ट. ऑल मे कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन बाय. अब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम कीपिंग सेपरेट बिन्स फॉर वेट एंड ड्राई वेस्ट. हम दो बिन्स रख सकते हैं, एक में वेट और वेट वेस्ट रहेगा मतलब गीला कचरा रहेगा और एक में ड्राई वेस्ट रहेगा मतलब सूखा कचरा रहेगा. प्लास्टिक बैग्स की बजाय हमें क्या यूज़ करना चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ करना चाहिए. देन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग आवर फ्रेंड्स एंड नेबरहुड. इसी बात की अवेयरनेस हम अपने फ्रेंड्स और नेबरहुड से शेयर करेंगे. सो आपको भी आपसे इसी बात का ध्यान रखना है, आपको जो वेस्ट है उसे सेपरेटली टू बिन्स में डालना है. ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा बता रखा है तो लेट्स सी अबाउट इट. अब फर्स्ट दिस वन इज ड्राई वेस्ट, देन सैनिटरी वेस्ट, यहाँ पे मेडिकल वेस्ट एंड दिस ऑल थिंग्स कम अंडर दिस वन. नेट वेस्ट सॉरी वेट वेस्ट, गीला कचरा जो होता है उससे अलग, जैसे कि फूड का जो वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स है. हजार्डियस मीन्स जो जिन फॉर एग्जांपल ग्लासेस है, बल्ब, बैटरी, ये सारी चीज़ें क्या है, हैजार्डियस है. सो दीज आर हैजार्डियस वेस्ट. देन गार्डन वेस्ट, जो गार्डन वेस्ट होता है इट विल बी पुट इट द सेपरेट बिन. पर अगर हम इतने सारे बिन्स ना करें तो भी हम टू बिन्स में चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, वन इज फॉर ड्राई एंड वन इज फॉर वेट. सो यू ऑल्सो शुड प्रैक्टिस इट एट योर होम्स. And in the next video, we will learn more about waste management. So I hope you like the video and in the next, we will learn more. Thank you for watching.